रीड क्वेश्चन नंबर 5. रोहित अर्न्स 15,300 एंड सेव्स 1,224 पर मंथ. फाइंड द रेशियो ऑफ रोहित अर्न करता है 15,300 पर मंथ और सेव करता है 1,224. तो रेशियो निकालना है हिज इनकम एंड सेविंग, उसकी इनकम का और उसकी सेविंग का. पहले इनकम है तो एंटीसीडेंट इनकम बनेगी और बाद में सेविंग है तो कॉन्सिक्वेंट सेविंग बनेगी. तो रोहित इनकम 15,300, ही सेव्स 1,224, दोनों ही अमाउंट रुपीज़ में हैं, सेम है. अब रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग, इनकम से सेविंग का निकालना है. तो इनकम पहले आएगी 15,300 इज टू सेविंग, बाद में आएगी 1,224. अब जो एंटीसीडेंट है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो डिनोमिनेटर बनेगा. फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और रिड्यूस किया, रिड्यूस करने पर इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, 25:2. तो जो रेशियो आया इनकम टू सेविंग का वो क्या आया, 25:2. सेकेंड पार्ट देखिए, हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का. अगर उसकी इनकम 15,300 है एंड ही सेव्स 1,224, तो वो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा. तो जो इनकम है उसमें से उसकी सेविंग हम माइनस कर देंगे, तो ये उसका एक्सपेंडिचर है. नाउ रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम थी 15,300, एक्सपेंडिचर निकल कर आया 14,076. इसका हमें रेशियो निकालना है. तो इनकम पहले है तो न्यूमरेटर इनकम यानी एंटीसीडेंट और न्यूमरेटर इनकम बनेगी, एक्सपेंडिचर बाद में है तो डिनोमिनेटर या कॉन्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बनेगा. इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और सॉल्व किया, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, 25:23. नेक्स्ट हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हम सेकेंड पार्ट में निकाल चुके हैं 14,076 और सेविंग है 1,224. अब हमें रेशियो निकालना है हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर पहले है तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग. तो एक्सपेंडिचर पहले आएगा और सेविंग बाद में आएगी. अब जो एंटीसीडेंट है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो डिनोमिनेटर बनेगा. इसको हमने रिड्यूस कर लिया, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता. तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, वो 23:2 आएगा. रीड क्वेश्चन नंबर 6. द रेशियो ऑफ द मेल एंड द फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इज 5:3. कोई टेक्सटाइल मिल है जिसमें मेल और फीमेल वर्कर का रेशियो दिया गया है 5:3. इफ़ देर आर 115 मेल्स वर्कर, वॉट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल. उन्होंने बोला कि अगर मिल में 115 मेल वर्कर्स हैं तो फीमेल वर्कर्स कितनी है. ये जो नंबर दिया गया हमें, ये तो हमें रेशियो दिया गया कि वो 5:3 के रेशियो में है. तो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल 5:3. लेट द नंबर ऑफ मेल, क्योंकि जो रेशो होते हैं इनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम रेशो के साथ कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर हमने 5x लिखा, 5 और x. नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल का रेशो 3 था तो 3x. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला कि फीमेल, मेल कितने हैं, 115 मेल, 115 है और हमारे अकॉर्डिंग मेल कितने हैं, 5x. तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया. ये नंबर ऑफ मेल्स हमारे अकॉर्डिंग है और ये क्वेश्चन में दिए गए हैं. तो 5x इक्वल टू 115, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, 5 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 23. 5 2 10 और 5 3 15, तो x इक्वल टू 23 आया. तो अब नंबर ऑफ़ फीमेल्स हम बता सकते हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स यानी 3, नंबर ऑफ़ फीमेल्स हमारी 3x थी, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 3 इंटू, ये देखिए x की वैल्यू रख दी 23. तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, 69. नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल दोनों पता है, अपनी आंसर की टेस्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मेल था 115 और नंबर ऑफ फीमेल आई 69. अब अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, सॉरी 5 से तो कैंसिल होना नहीं है, ये सॉरी 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 ये आपका किससे कैंसिल होगा, आपका 23 से कैंसिल होगा. 23 5 115 और 23 3 69. तो अब देखिए 5:3 आया जो हमें इन्होंने दे रखा था. ऐसे आंसर की टेस्टिंग करते हैं. सॉरी यहाँ पर ये 23 से रिड्यूस होगा, 23 5 115 और 23 6 69. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड ₹1575 बिटवीन कोमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2.
कितने रुपीज़ है हमारे पास, 1575 रुपीज़ हैं। इसको हमें डिवाइड करना है टू पर्सन्स के बीच में, कोमल एंड मधु के बीच में, किस रेशियो में, 7:2। पहले कोमल का नाम है तो यानी एंटीसीडेंट कोमल के लिए, बाद में मधु का नाम है तो यानी कि कॉन्सिक्वेंट मधु के लिए है। यानी कि जो ये रुपीज़ हैं इसका 7th पार्ट कोमल, 7 और सेकंड जो है वो मधु के लिए। तो टोटल मनी कितनी है, 1575, रेशियो क्या है, 7:2। सम ऑफ, इस तरीके से क्या करते हैं कि हम इनका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ़ द रेशियो 7+2 कितना आया, 9। अब कोमल का जब हम शेयर निकालेंगे तो कोमल के लिए एंटीसीडेंट 7 है, तो 7 अपॉन जो टोटल आया आपका रेशियो का इनटू जो टोटल मनी है। इसको हमने सॉल्व किया, 9 1 9 6 बचा, 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45। यहाँ पर 7 × 175 आया, मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कोमल को कौन सा शेयर, कितने रुपीस मिलेंगे, 1225 रुपीस। अब मधुज शेयर देखिए, क्योंकि मधु का नेम बाद में था और मधु के लिए कॉन्सिक्वेंट था, तो 2 अपॉन जो टोटल आया इनका 9 इंटू जो मनी है, 2 अपॉन 9, 2 × 75, यानी मधु को कौन कितने रुपीस मिलेंगे, 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइडेड 3450 अमंग ए बी सी इन द रेशियो 3:5:7। इस बार रुपीज़ कितने, 3450, और तीन लोगों में डिवाइड करने हैं ए बी सी, और रेशियो क्या होना चाहिए, 3:5:7। ए पहले यानी 3, बी बाद में यानी 5, और सी के लिए 7। तो हम सेम प्रोसेस से करेंगे, टोटल मनी क्या है, 3450, रेशियो क्या है, 3:5:7, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। सम ऑफ द रेशियो, उसका सम कर लिया। अब एज शेयर, ए के लिए शेयर करें तो ए के लिए 3 था, तो 3 अपॉन जो टोटल है 15 इंटू मनी। इसको सॉल्व किया, ए का शेयर आया 619। बीज शेयर, बी के लिए 5 था अपॉन टोटल, तो 5 अपॉन 15 इंटू जो मनी है उसे मल्टीप्लाई किया, बी का शेयर आया 11,050। एंड सीज शेयर, सी के लिए 7 है तो 7 लिखा अपॉन टोटल 7 अपॉन 15 और जो मनी है, इसको हमने सॉल्व किया, सी के लिए जो शेयर आया वो 16,010 आया। इन तीनों ही मनी को आप रफली ऐड करके देखेंगे, 16,010, 690 और 11,050, तो हमें वही मिलेगा जो टोटल मनी थी, 3,450। तो जैसा ये देते हैं, जिसका जो जो रेशियो होगा उसके लिए वही शेयर यूज़ किया जाएगा। सम पहले रेशियो का निकाल लेंगे और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन अलॉय इज 7:9। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज 11.7 kg, फाइंड द वेट ऑफ द जिंक। एक मिक्सचर अलॉय यानी मिक्सचर, एक मिक्सचर है जिंक एंड कॉपर का, जिसमें रेशियो दोनों का क्या है, 7:9। अलॉय में कॉपर का वेट दिया है, जिंक का वेट निकालना है, गिवन रेशियो 7:9। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे पेपर मिल में मेल और फीमेल वर्कर्स का नंबर था। तो वेट ऑफ जिंक हमने वेरिएबल के साथ कंसीडर किया 7x, वेट ऑफ कॉपर 9x। क्वेश्चन में जो कॉपर का वेट दिया है वो 11.7 kg दिया है, हमारे अकॉर्डिंग 9x है, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर 11.7 अपॉन 9, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ गया, 10 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो जो कॉपर का वेट है वो, सॉरी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1.3। तो वेट ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, केजी नहीं आएगा, वेट ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, 7 × 1.3 यानी कि 9.1। तो मिक्सचर में अलॉय में जिंक का वेट कितना, 9.1। अ बस कवर्स 128 km इन 2 hours एंड अ ट्रेन कवर्स 240 km इन 3 hours, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। एक बस 128 km को 2 hours में कंप्लीट करती है और एक ट्रेन 240 km को 3 hour में कंप्लीट करती है, तो कह रहे हैं इनकी स्पीड का रेशियो निकालिए। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, पहले इनकी स्पीड निकालेंगे उसके बाद में उसका रेशियो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बस 128 km, टाइम टेकन बाई बस, बस ने कितना टाइम लिया, 2 hours। तो स्पीड ऑफ बस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस की स्पीड निकाल रहे हैं तो बस की डिस्टेंस प्लस बस का लिया गया टाइम हमने रखा, यानी बस की स्पीड आई 64 km/h, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस दी है वो किलोमीटर में दी है, जो टाइम दिया है वो आर में दिया है, इसलिए किलोमीटर पर आर। अब डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन ने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 240 km, जो ट्रेन ने टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय ट्रेन 3 hours। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम 240 / 3 यानी 80 km/h। दोनों की यूनिट, दोनों की स्पीड आ गई, ये बस की स्पीड है
ये ट्रेन की स्पीड है, दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है, सेम यूनिट है, इनका रेशियो निकालना। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड, पहले बस थी तो बस की स्पीड, बाद में ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड, 64:80, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम थे इसलिए यूनिट कैंसिल होगा। 64 इसको सॉल्व कर दिया, 4:5, यानी इनकी स्पीड का जो रेशियो आया वो 4:5 आया। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर फाइंड विच रेशियो इज लार्जर। यहाँ पे क्या है, हमें रेशियो के पेयर दिए जाएंगे और हमें बताना है कौन सा पेयर लार्जर है। तो जो रेशियो का पेयर दिया है उसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, 3:4 दिया, 3/4, 9:16 तो 9/16, एंड मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम विद द सेम प्रोसेस एज वी आर सॉल्विंग इन द फ्रैक्शन वी विल सॉल्व हेयर। जैसे हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे थे ऐसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाया, यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया है, 4 और 16 का 16 आया, यानी 16 बनाना है। तो यहाँ पर 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर में होगी तो नोमिनेटर में भी होगी, 12/16, 9/16, डिनोमिनेटर सेम बन गए। हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज दिस फ्रैक्शन ग्रेटर, जो फ्रैक्शन का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर ये ग्रेटर है, यानी कि जो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी वही रेशियो भी ग्रेटर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5:12 और 7:13, तो 5/12 और 7/13 डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया 60। अब डिनोमिनेटर में 60 बनाना है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुई, 12 5 16, और यहाँ पर 2 से, तो यहाँ 5 से ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, डिनोमिनेटर सेम बन गए। ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा है इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ी, और ये फ्रैक्शन ग्रेटर है इसलिए ये वाला रेशियो भी लार्जर होगा। लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स कंप्लीट योर एक्सरसाइज।